जानने की जिज्ञासा होगी कि राधा तत्व है क्या, राधा कौन है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति समझिए। राध धातु है संस्कृत में, आराधना अर्थ में, उपासना अर्थ में, उससे आप्रत्यय हुआ गुरोश्च हलह इस पाणिनि सूत्र से करण अर्थ में, तो उससे बन गया शब्द राधा। और दूसरा अर्थ कर्म में आप्रत्यय हुआ राध धातु से, तो शब्द बन गया राधा। ये दो प्रत्यय मैंने बताए, एक करण अर्थ में आप्रत्यय, एक कर्म अर्थ में आप्रत्यय, इसलिए दो अर्थ हो गए राधा शब्द के। एक अर्थ हुआ राध्यते यया सा राधा, जो आराधना करती हैं, भक्ति करती हैं, उपासना करती हैं श्री कृष्ण की, वो राधा। और दूसरा अर्थ है राधैवाराध्यते मया, जिसकी आराधना श्री कृष्ण ब्रह्म करते हैं उसका नाम राधा। तो दो विरोधी अर्थ हो गए, जिस ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना राधा करती हैं इसलिए उनको राधा कहते हैं, और जो ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना करती हैं इसलिए उनको राधा कहते हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। भागवत दशम स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक, जब भगवान महाराज से किशोरी जी को साथ लेकर अलक्षित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियां वियोग में ढूंढ रही थी, उन्होंने चरण चिन्ह देखे किशोरी जी के भी और ठाकुर जी के भी, और दोनों के चरण चिन्हों को गोपियां पहचानती थी, क्या क्या चिन्ह बने हैं किशोरी जी के चरण तल में, क्या क्या चिन्ह बने हैं ठाकुर जी के चरण तल में, इसलिए उन्होंने पहचान लिया। और उन्होंने कहा आपस में, ये जिस गोपी को लेकर प्रियतम चले गए हैं इसने सबसे बड़ी अधिक आराधना की होगी, हम लोग उससे नीची कक्षा के हैं आराधिकाएं, क्योंकि उसको लेकर चले गए, हम लोगों को छोड़ दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो जिस गोपी को लेकर चले गए वो गोपी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधिका है। और राधैवाराध्यते मया ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधे सर्वापराधम मे क्षमस्व परमेश्वरी, ब्रह्मवैवर्त पुराण ठाकुर जी कहते हैं, हे किशोरी जी मेरे अपराधों को क्षमा करो, कृपा करो। ये दोनों प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो राधा शब्द का दोनों अर्थ है और दोनों सही है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा तत्व बाद में लोगों ने गढ़ लिया है, तत्व तो एक है श्री कृष्ण, कह परमो देवः। वेद में प्रश्न किया गया है कि सबसे पर सुप्रीम पावर कौन है, तो उसका उत्तर दिया है वेदों ने ही, कृष्णो हवै परमं दैवतम, श्री कृष्ण ही सबसे परे हैं और सब उनके नीचे हैं, उनके उपासक हैं।
राधा को ऐसे लोगों ने भावुकता में, हाँ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होंगी इसलिए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इतना बढ़ा दिया लोगों ने कि श्री कृष्ण ब्रह्म भी उनके भक्त हैं, ऐसा प्रचार कर दिया, ऐसा कुछ भोले लोग कहते हैं। अब वेद क्या कहता है, पहले वेदों में चलो, राधा शब्द वेदों में है कि नहीं, कम है, है राधा प्रथमा कारक कर्ता कारक, राधांसी कर्म कारक, राधसा करण कारक, राधसे संप्रदान कारक, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक, राधसी अधिकरण कारक। इस सातों विभक्तियों में ऋग्वेद में राधा शब्द है। इसके अलावा स्तोत्रम राधा नाम पते ऋग्वेद, ब्राह्मणादिन्द्र राधसा ऋग्वेद है, विभक्तारम हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसा ऋग्वेद है, इदं ह्यन्मोजसा सुतं राधानां पते ऋग्वेद है, राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका ऋग्वेद है, एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकं ऋग्वेद है। ये वेदों में भी राधा तत्व का वर्णन है। अब कोई व्यक्ति उस राधा शब्द का अनाप शनाप अर्थ करे कि नहीं हम राधा शब्द का ये अर्थ नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिसकी जैसी भावना है जैसी बुद्धि है, विचित्र रूपा खल चित्त वृत्तया, जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था इतने सारे मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में, कोई कर्म कोई ज्ञान कोई योग कोई अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं, तो भगवान ने कहा था कि जितने जीव हैं उनकी जो तीन गुण की वृत्तियां हैं वो सब की पृथक पृथक हैं, इसलिए अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार पंडितों ने वेद का अर्थ किया, तो इसलिए राधा शब्द का भी उठपटांग अर्थ करके चलने वाले लोग भी हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, ठीक है उनका भी अपना सिद्धांत होगा कुछ। अब आइए उपनिषदों में, मंत्र ब्राह्मणयोर नामधेयम वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण अर्थात उपनिषद ये सब वेद कहलाते हैं। वेद में प्रश्न किया गया कस्मात् राधिका मुपासते, राधा की उपासना क्यों की जाती है, ये कौन है राधा, तो उत्तर दिया वेद ही में, यस्या पादरेणुं विश्वभर्ता यस्या अंके बिलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार ताम राधिकाम शक्तिधात्री नमामः। सामवेदीय राधोपनिषद, वेद ने कहा कि जिसकी चरण धूलि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान अपने सिर पर रखते हैं वो राधा तत्व है, जिनकी गोद में लेटे हुए पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म अपने गोलोक के परमानंद को भूल जाते हैं वो शक्तिधात्री राधा है। फिर इसके पश्चात फिर राधा उपनिषद कहता है कृष्णो वै हरि परमो देवो सर्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी से व्यो वृंदा राधितो वृंदावनादिनाथा सा एक एवेश्वर त
तस्य हवै द्वे तनुर नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोऽंशः प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी सन्धिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाल्लादिनी वरीयसी परमांतरंगभूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधा उपनिषद कह रहा है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है, और राधा जिसकी उपासना करती है वो श्री कृष्ण तत्व है, दोनों दोनों की उपासना करते हैं। फिर कहता है राधिकोपनिषद, ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर् देहे नैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत। एक ही ज्योति, एकम ज्योतिरभूत द्विधा, एक ज्योति, एक परतत्व, एक सुप्रीम पावर दो बन गई। स इममेवात्मानं द्विधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम् श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपमश्मिनौ। वेद कह रहा है एक ही तत्व दो बन गया है। फिर कहता है राधिकोपनिषद, राधा कृष्णयोरेकासनम् एका बुद्धिः एकम मनः एकम ज्ञानम एकम पदम एक आत्मा एका आकृतिः अतएव द्वयोर् न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। ये राधा कृष्ण की दोनों की बुद्धि एक, मन एक, आत्मा एक और आकृति भी एक, ज्ञान भी एक, इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भेद मानता है आवयोर भेद बुद्धिन्तु यः करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ। ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदव्यास। जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि रखता है, ये रस की दृष्टि से परिहास में कोई कहे श्री कृष्ण बड़े हैं, कोई कहे राधा बड़ी है, वो सब थी, लेकिन खोपड़ी में बीमारी पैदा करके कि राधा जी बड़ी हैं श्री कृष्ण छोटे ही हैं, अथवा श्री कृष्ण ही बड़े हैं राधा छोटी ही हैं, ये भेद बुद्धि करने वाले को काल सूत्र नामक नरक में तब तक वास दिया जाता है जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं पृथ्वी पर, अर्थात महाप्रलय तक। इतना बड़ा अपराध माना गया है। तो दोनों एक हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, नारद पांचरात्र इतना प्राचीनतम ग्रंथ है। परदेवता है वो, उनसे परे और कुछ नहीं। वृषभानुसुता देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी, राधा उपनिषद वृषभानु की बेटी राधा, ये मूल प्रकृति है, इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये तो वायमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। इस वेद मंत्र के अनुसार उत्सर्जने चरा शब्दो धारणे पोषणे चधा, ये रा और धा दो शब्द का अर्थ है, जिससे सृष्टि हो, जिससे सृष्टि की रक्षा हो, जिसमें सृष्टि का लय हो, उसका नाम राधा। फिर नारद पांचरात्र कहता है हरे रर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। श्री कृष्ण का आधा भाग राधा, राधा का आधा भाग श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही राधा बना, राधा जी कहती हैं मैं श्री कृष्ण बनी हूं।
ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये श्री कृष्ण का जो रूप है वो मैं ही बनी हूँ, मैं राधा कह रही हूँ। मैं पुरुष बन गई थी तो लोग श्री कृष्ण कहने लगे मुझे, तो वो सब सही है। तस्मात्ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंत साम रहस्योपनिषद। फिर नारद पांचरात्र कहता है, द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्ययोर यथा। जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दोनों एक है, ऐसे ही राधा कृष्ण एक हैं। दूध की सफेदी को दूध से कोई अलग नहीं समझ सकता न कर सकता है, इसी प्रकार दूध को सफेदी से कोई अलग नहीं कर सकता, इतना एकत्व है, एक ही दो बना है। फिर कहता है नारद पांचरात्र, ये जो महालक्ष्मी है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु की अर्धांगिनी, तो राधा बामांग संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता। नारद पांचरात्र, राधा के बाएं भाग से पैदा हुई महालक्ष्मी, तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गा द्या त्रिगुणात्मिका। ये जितनी है दुर्गा वगैरह, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा वैष्णवी ब्रह्माणी, ये सब किशोरी जी के अंश से पैदा हुई। तस्या अंग्रिराज स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते, पद्म पुराण। किशोरी जी के चरण के नाखून से अनंत कोटि विष्णु पैदा होते हैं, एक विष्णु नहीं। यथा राधा प्रिया विष्णु, देखिए पद्म पुराण, राधा वृंदा बने बने मत्स्य पुराण, तत्राति राधिका शश्वत आदि पुराण, लक्षस कमलादास्य पद्म पुराण। राधा शब्द का अर्थ किया वेद व्यास ने, राधनोति सकलान कामान तस्मात राधेति कीर्तिता। जो जीवों की समस्त कामनाओं को थोड़े से आंसू बहाने से पूरा कर देती हैं, उनका नाम राधा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण। आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात्परम, सैव पंडितो योगी गोलोकम जाति लीलया। पहले राधा का उच्चारण करो, पश्चात श्री कृष्ण का करो। इस प्रकार उच्चारण करने वाला, कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला, ध्यान करने वाला गोलोक को जाता है। पहले राधा का उच्चारण होता है, कृष्ण राधा नहीं कोई बोलता, राधा कृष्ण श्यामा श्याम। तो राधा शब्द का निरूपण अनंत स्थानों पर भरा पड़ा है, रसिकों की वाणी की तो थाह नहीं है। हमारे ब्रज में बड़े बड़े जगत गुरु हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, गौरांग महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, इन लोगों ने सिद्ध किया। माध्वाचार्य रामानुजाचार्य ये दो जगत गुरु लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। शेष जितने महापुरुष आचार्य हमारे ब्रज में हुए हैं ये सब राधा कृष्ण के भक्त थे। माध्वाचार्य लक्ष्मी नारायण के भक्त, उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी वे राधा कृष्ण के भक्त,
उनके शिष्य ईश्वरपुरी वो राधा कृष्ण के भक्त, उनके शिष्य गौरांग महाप्रभु वो राधा कृष्ण के भक्त। तो केवल एक बात कहते हैं वल्लभाचार्य कि राधा स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म के बराबर नहीं, ब्रह्म ही है। और निम्बार्काचार्य कहते हैं राधा शक्ति है, श्री कृष्ण शक्तिमान है, शक्ति और शक्तिमान में भेद भी होता है, अभेद भी होता है, इसलिए दोनों एक भी हैं और दोनों दो भी हैं। और गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों नित्य दो हैं और नित्य एक हैं। भावार्थ ये है कि सभी आचार्य राधा कृष्ण को एक ही मान रहे हैं। जो रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य लक्ष्मी के भक्त हैं, वे भी अपने सिद्धांत में लिखते हैं कि इन महालक्ष्मी को ही लोग राधा करके उपासना करते हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं करना है, लेकिन रस की दृष्टि से राधा का ही अधिक महत्व है। और रसिकों ने भी कहा है परम धन राधे नाम आधार जासु श्याम मुरली महते रत सुमिरत बारंबार परम धन राधे नाम आधार कोटिन रूप धरे नंद नंदन ताऊ न पायो पार परम धन राधे नाम आधार। एक रसिक हुए हैं इसी ब्रज में, उन्होंने तो इतना स्पष्ट कहा है, उनका नाम है अलबेरी शरण, उन्होंने कहा राधा राके कहत ही निकसत सकल विकार, रा कहो सब गई माया फाया भाग के, अपनी आवत पावत नहीं, और फिर कहो लौटिया में वो माया वाया तब नहीं, धक्का देत धकार। बोलिए अलबेली सरकार की। राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, ओ मेरी राधे प्रेम गाधे, मेरी राधे मेरी राधे प्रेम गाधे। Thank you.
साधे मन मन भावे अति रूप ध्यान साधे ओ मेरी राधे प्रेम गाधे राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे आगे राधे पाछे राधे आगे राधे पाछे राधे दाएं बाएं राधे आगे राधे पाछे राधे दाएं बाएं राधे सारा जग राधे देखो राधे राधे सारा जग राधे ओ मेरी राधे प्रेम गाधे मेरी राधे प्रेम गाधे
उसकी ही है राधे, सबकी है राधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, राधे बिनु कल नहीं पल छिन आधे, बथ की भी राधे, बथ की भी राधे, मुक्त की भी राधे, बथ की भी राधे, मुक्त की भी राधे, मुक्त की भी राधे, राधे राधे, बथ की भी राधे, मुक्त की भी राधे, पतित त्रिपालु की भी आधार राधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, 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 राधे बिनु कल नहीं फल छिन आधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, मेरी राधे, मेरी राधे प्रेम अगाधे, ठाकुर की ठकुरानी राधा रानी, मेरी ठकुरानी महारानी राधा रानी, मेरी राधे रानी, मैं हूँ राधे रानी झूठी, मेरी राधे रानी, मैं हूँ राधे रानी झूठी, मेरी राधे रानी, गुरु ने जनाई जाए मेरी राधे रानी, मैं तेरी थी तेरी ही रहूंगी राधे रानी, मैं तेरी थी तेरी ही रहूंगी राधे रानी, मैं तेरी थी तेरी राधे रानी, तू माने ना
प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी